Hello children, today we will continue chapter number 19, Abdul in the garden. Here is the question. Abdul wonder whether radish was a root. Why do you think so? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब्दुल को क्यों ऐसा लग रहा था कि वो जो रेडिश है वो रूट है. तो अब्दुल को ये इसलिए लग रहा था क्योंकि ही वॉज अनेबल टू और ही वॉज फीलिंग डिफिकल्टी टू पुल आउट रेडिश फ्रॉम द ग्राउंड. सो ही थॉट डैट रेडिश वॉज अ रूट. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन हैं. यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, यानी कि आपको यहाँ पे सारे पिक्चर्स आपको देखना है, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस वेजिटेबल्स आर रूट, यानी कि आपको इसमें से पता करना है कि कौन से वेजिटेबल्स हैं जो रूट हैं, ठीक है. तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, रूट के फॉर्म में वो हम वेजिटेबल्स को कहेंगे, ठीक है. द रूट्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स आर इन द ग्राउंड, यानी कि जो आपको अर्थ के अंदर से मिल रहा है दैट कैन बी कॉल्ड एज रूट्स. एंड द आइटम्स और द फ्रूट्स ऑफ वेजिटेबल्स दैट आर ग्रोन अबव द अर्थ सर्फेसिस दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टेम, ठीक है. तो ये आपको समझ में आया. तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इज ब्रिंजल. आप ब्रिंजल को देखिए, तो यू सी ब्रिंजल इन द ट्री एंड इट इज अबव द ग्राउंड सो इट कांट बी कॉल्ड एज रूट. नेक्स्ट है क्या कि आपके पास कैरेट है, ठीक है. तो इट इज़ अंडर द ग्राउंड, इट इज़ फाउंड अंडर द ग्राउंड सो वी कैन कॉल इट एज रूट्स, ओके. नेक्स्ट आपके पास क्या है, चिली. तो चिली इज अबव द ग्राउंड सो इट कांट बी कॉल्ड एज रूट्स. आप फिर यहाँ पे देखिए कॉलीफ्लावर को, तो इट इज़ ऑल्सो अबव द ग्राउंड, इट कांट बी कॉल्ड एज रूट्स. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखिए, ये भी एक वेजिटेबल्स है दैट इज अबव द ग्राउंड, ओके. सो इट कांट बी कॉल्ड एज रूट्स. यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप मूली को देखिए, फिर यहाँ पे टोमेटो है, यहाँ पे क्या है, इट इज़ खीरा, कुकुमगर एंड इट इज़ बीट रूट, ओके. एंड हियर इट इज़ कैबेज. ऑल दिस आर, यहाँ पे आप देखिए ये सारे जो भी हैं, हाँ, ये आपके अर्थ के अंदर में रहते हैं, ठीक है. तो वी कैन कॉल इट एज रूट्स एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल इट एज रूट्स एंड ऑल दिस वन आर स्टेम, ओके. नेक्स्ट है, अब्दुल हैज मोर क्वेश्चंस. अब्दुल के माइंड में और क्वेश्चन था. कौन सा क्वेश्चन? नाउ डेज अब्दुल कीप्स थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ही सीज. आजकल अब्दुल उन सारे प्लांट्स के बारे में बात करने लगा है जो वो देखता है. अब्दुल saw a plant growing out of a wall in his school. He wondered. अब्दुल को अपने स्कूल में उसके दीवार पे एक प्लांट देखने को मौका मिलता है, ठीक है. कहाँ पे? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इट इज़ हियर, इट इज़ अ प्लांट इन द ऑन द वॉल, ओके. तो नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ डीप मस्ट बी द रूट्स ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग, यानी कि इसके रूट्स कितने अंदर जा रहे हैं. तो इसके रूट्स ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इट इज़ ऑन द वॉल, ओके. When it will be in the soil, then its roots will be spread. Okay. Next question है, how do the roots get water? यानी कि इसके roots को पानी कहाँ से मिलता है? तो from the rain and some soil which are present on the wall, they get water from it. Next question है कि how big will this plant grow? यानी कि ये plant कितना grow करेगा? तो it will be of medium height. Next question है कि what will happen to the wall? यानी कि दीवार को क्या होगा? तो दीवार को कुछ नहीं होने जाने वाला है, ठीक है. ये कोई ये प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा तो इट विल नॉट काउज एनी हार्म टू द वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर, तो क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? व्हाट इज इस नेम माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज़ पीपल, ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल, वेयर वॉज इट? Did you have any questions when you saw it? कह रहा है क्या कि आपको कभी ऐसी इसी तरह दीवार में किसी क्रैक में प्लांट्स देखने का मौका मिला है? ओब्वियसली आपको स्कूल में या गार्डन में या अपने घर में ऐसा देखने को मौका मिला होगा. My dear students, this is over for today and in the coming video, I will continue this chapter. Okay, goodbye.